नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अप्रत्याशित, अकल्पनीय, अभूतपूर्व इन विशेषणों का, अतिशयोक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद किया था। सोमवार को मिजोरम और असम के बीच जो हुआ है उसे भी अभूतपूर्व, अप्रत्याशित और अकल्पनीय कहा जा सकता है। अकल्पनीय इस संदर्भ में कि ट्विटर पर मिजोरम और असम के मुख्यमंत्री कई घंटों तक झगड़ते रहे और जमीन पर दोनों राज्यों की सीमा पर तनाव बढ़ता रहा। इस पूरी घटना पर ना तो तब और ना घटना के कई घंटे बाद तक प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया और न ही असम के मारे गए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। कई घंटे बीत जाने के बाद भी दोनों राज्यों के बीच शांति की अपील तक नहीं आई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को ट्विटर पर आकर ट्रोल करने लगे, झगड़ने लगे और कुछ देर बाद एक मुख्यमंत्री गायब हो जाएं और एक मुख्यमंत्री देर रात तक अकेले ट्वीट करते रहें और गायब हो चुके मुख्यमंत्री को संबोधित करते रहें। आपने कब ऐसा सुना था कि असम की सरकार कह रही है कि मिजोरम की पुलिस ने उसकी पुलिस पर लाइट मशीन गन से गोलियों की बौछार कर दी, 5 जवान मारे गए, 50 से अधिक घायल हो गए। घायल होने वालों में असम के कछार जिले के एसपी और आईजी भी हैं। इस लेवल का टकराव हुआ है। 25 जुलाई सोमवार को असम मिजोरम सीमा पर तनाव और हिंसा की घटना से दो दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर थे और वहां के हालात को सुलझा लेने के कई बड़े दावे किए और कहा कि अब इन इलाकों में आंदोलन, आतंकवाद और हथियार अतीत का हिस्सा हो चुका है। शिलांग में अमित शाह ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक भी की और पूर्वोत्तर की समस्याओं को सुलझा लेने के बड़े बड़े दावे किए। गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और इसमें बीजेपी भी भागीदार है। असम में बीजेपी की सरकार है। यह उम्मीद करना ठीक नहीं होगा कि दो राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर झगड़ने लगे तो गृहमंत्री और प्रधानमंत्री भी ट्विटर पर ही कूद पड़े। लेकिन असम और मिजोरम से आई प्रेस रिलीज में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कल दिन में अमित शाह और प्रधानमंत्री ने बात कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। मिजोरम सरकार की प्रेस रिलीज में इतना जरूर है कि गोलीबारी की घटना के बाद अमित शाह ने दोनों से फोन पर बात की और दोनों की पुलिस को सीमा से हटने के लिए कहा। सोमवार को दोनों मुख्यमंत्रियों ने कुल 11 ट्वीट किए लेकिन एक बार भी नहीं कहा इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने कि अमित शाह का फोन आया था। देर रात तक खबर आती है कि असम मिजोरम सीमा पर गोली चल गई है जिसमें असम के 5 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो क्या मामले को असम और मिजोरम पर पूरी तरह छोड़ दिया गया? क्या यह इतना हल्का मामला है कि गृह मंत्रालय 24 घंटे से अधिक समय से चुप है? सूत्रों के हवाले से ही खबरें आती हैं तो हम भी प्राइम टाइम के हवाले से सवाल पूछ लेते हैं। सोमवार के दिन गृह मंत्रालय की तरफ से जो भी पहल हुई होगी उसका नतीजा क्यों नहीं निकला, जबकि जहां पर टकराव हुआ है वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल की चौकी भी है। इस लिहाज से देखें तो दोनों राज्यों के अलावा केंद्र के पास स्वतंत्र जानकारी का एक और जरिया था। इसके बाद भी असम के मुख्यमंत्री 11:30 बजे रात तक ट्वीट करते रहे और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 5 बजे के बाद ट्वीट करना बंद कर दिया। ट्विटर पर टैग प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए दोनों ने गृहमंत्री अमित शाह को पंच बनाया और उन्हें संबोधित करते हुए लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद भी गोली चलती है, असम पुलिस के जवान मारे जाते हैं। सवाल है कि इतना समय रहने के बाद भी गृहमंत्री अमित शाह घटना पर काबू क्यों नहीं पा सके? सोमवार को सबसे पहले 1:50 पर मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा वीडियो के साथ ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में अमित शाह को भी जोड़ते हुए कहते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हो रहा है, गृहमंत्री जी देखिए और रोकिए। फिर 2:53 पर मिजोरम के मुख्यमंत्री दूसरा ट्वीट करते हैं कि कछार से लौट रहे मासूम जोड़े को ठगों और गुंडों ने मारा है। इस तरह की हिंसा को आप कैसे सही ठहरा सकते हैं? इस ट्वीट को कछार के कमिश्नर, पुलिस और असम के पुलिस प्रमुख को टैग करते हैं। इसके ठीक 4 मिनट बाद असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री को जवाब देते हैं लेकिन गृहमंत्री और पीएमओ को भी जोड़ लेते हैं।
असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि माननीय जोरमथंगा जी, क्या आप इसकी जांच करेंगे कि मिजोरम की तरफ के लोग हाथों में डंडा लिए क्यों खड़े हैं और हिंसा क्यों भड़का रहे हैं। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि कानून को हाथ में ना लें, दोनों सरकारों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत होने दें। मामला शांत नहीं हुआ। 3:25 पर असम के मुख्यमंत्री फिर से ट्वीट करते हैं कि जोरमथंगा जी, कोलासिब के पुलिस अधीक्षक हमसे कह रहे हैं कि हम अपने पोस्ट से जब तक नहीं जाएंगे लोग नहीं सुनेंगे, ना ही हिंसा रोकेंगे। ऐसे हालात में हम सरकार कैसे चला सकते हैं। इस ट्वीट को भी अमित शाह और पीएमओ इंडिया को टैग किया जाता है। इस ट्वीट के 46 बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री को ट्विटर पर ही जवाब देते हैं। आदरणीय हिमंता जी, गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्रियों के बैठक के बाद भी हैरानी है कि असम पुलिस ने अपनी 2 और लोगों को भेजा है और आज मिजोरम की सीमा के भीतर ऑटो रिक्शा स्टैंड पर नागरिकों पर लाठी चार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उन्होंने सीआरपीएफ और मिजोरम पुलिस की चौकी को भी रौंद डाला है। अब इस ट्वीट के 25 बाद असम के मुख्यमंत्री फिर से ट्वीट करते हैं कि मैंने अभी मुख्यमंत्री जोरमथंगा जी से बात की है, मैंने दोहराया है कि सीमा पर असम यथास्थिति और शांति बनाए रखेगा, मैंने आइजोल जाने और जरूरत पड़ने पर अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी चर्चा करने की इच्छा जताई है। अब 4:52 हो चुके हैं, मिजोरम के मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हैं। माननीय हिमांता जी, जैसा कि चर्चा हो चुकी है, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए असम पुलिस को निर्देश दें कि वेरेंगेटे से वापस जाएं। इस ट्वीट को अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय को टैग किया जाता है। इसके बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री इस विषय पर ट्वीट करना बंद कर देते हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में गंभीर आरोप लगाए कि असम पुलिस ने सीआरपीएफ की चौकी पर हमला किया, मिजोरम की पुलिस चौकी पर हमला किया। अभी तक सरकार ने आधिकारिक रूप से यह नहीं बताया है कि असम की पुलिस ने सीआरपीएफ की चौकी पर हमला किया था या नहीं। सोमवार को 1:50 से लेकर 4:52 तक दो राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उलझ रहे हैं। लेकिन क्या इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय की तरफ से कोई पहल हुई होगी? फिर यह देश कैसे चल रहा है अगर नहीं हुई होगी तो? अगर पहल हुई होती तो 3 के दौरान किए गए 7 ट्वीट में गृह मंत्री की पहल और प्रधानमंत्री के पहल का जिक्र क्यों नहीं आता है? दोनों में से कोई नहीं करता है। ठीक है कि यह विवाद पुराना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के 2 के मुख्यमंत्री ट्विटर पर झगड़ रहे हों और गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री को पुकार रहे हों। मिजोरम के मुख्यमंत्री 5 के बाद ट्वीट नहीं करते हैं। शाम 7:30 जब असम के मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं तो काफी कुछ बदल चुका था। 7:30 पर हिमांता अपने ट्वीट में कहते हैं कि मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मिजोरम असम सीमा पर अपने संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए असम पुलिस के 6 बहादुर जवानों ने कुर्बानी दी है। मैं इन बहादुरों के परिजनों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाद में मरने वालों की संख्या 6 की जगह 5 कर दी जाती है। मिजोरम के मुख्यमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आता है। अब 10:24 पर असम के मुख्यमंत्री फिर से ट्वीट करते हैं कि ऐसे साक्ष्य सामने आने लगे हैं कि मिजोरम की पुलिस ने असम की पुलिस के खिलाफ लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और बताता है कि मंशा क्या है और हालात कितने गंभीर हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री इस ट्वीट का भी कोई जवाब नहीं देते हैं। 11:21 पर असम के मुख्यमंत्री फिर से ट्वीट करते हैं कि असम पुलिस के 5 जवानों को मारने और कईयों को घायल करने के बाद इस तरह से मिजोरम की पुलिस और गुंडे जश्न मना रहे हैं, यह दुखद है और भयानक है। मिजोरम के मुख्यमंत्री इस पर भी जवाब नहीं देते हैं। 11:35 पर असम के मुख्यमंत्री एक और ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट में इस मसले पर असम सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की जाती है। सोमवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री 4 ट्वीट करते हैं और असम के मुख्यमंत्री 7 ट्वीट करते हैं। शाम 7:30 के बाद हिमांता विश्वा शर्मा ने जो 4 ट्वीट किए हैं उसे ना तो मिजोरम के मुख्यमंत्री को टैग किया है, ना ही गृह मंत्री अमित शाह को। मिजोरम का आरोप है कि असम पुलिस ने सीआरपीएफ और मिजोरम पुलिस की चौकी को रौंद दिया, क्या यह सही है? Around 200 असम आर्म पुलिस लेड बाय IGP असम accompanied by DC Kachar, SP and DFO Kachar came to Vairente
auto rickshaw stand at around 11:30 a.m. today, 26 July 2021. They forcibly crossed the duty post manned by CRPF personnel stationed there and overrun a duty post manned by one section of Mizoram police personnel. असम पुलिस का आरोप है कि उसके जवानों पर लाइट मशीन गन से गोलियां चलाई गई हैं। इस पर भी कई घंटे तक गृहमंत्री और प्रधानमंत्री कोई ट्वीट नहीं करते हैं, जवानों को सार्वजनिक रूप से श्रद्धांजलि नहीं देते हैं, तब तक भी नहीं जब तक असम 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर चुका था, उसके बहुत देर बाद तक भी नहीं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि मारे गए लोगों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो घायल है जल्दी ठीक होंगे। गृहमंत्री ने लोगों के जीवन में नफरत और अविश्वास का बीज बोते हुए देश को फिर से फेल किया है। इसी के गंभीर परिणामों का फल आज भारत भुगत रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है और दोनों राज्यों की सीमा पर हालात का पता लगाने के लिए अपनी पार्टी की एक कमेटी बनाई है। हमने आज इस मुद्दे को लेकर एडजर्नमेंट मोशन भी लोकसभा और राज्यसभा में दिए हैं। हम और मैंने आज गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी के द्वारा ये भी एक इंक्वायरी की भी मांग की है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने हमको निर्देश दिया है कि हम वहाँ पे जाएं और कांग्रेस के एक संसदीय और विधायिनी दल कल उस असम के काचार डिस्ट्रिक्ट में सीमा के उस पर जाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की लापरवाही के कारण आज दोनों राज्यों के बीच में तनाव और हिंसा का वातावरण बन गया है। तो इंटेलिजेंस फेलियर है, कोऑर्डिनेशन है और ये सामूहिक रूप से एक व्यर्थता जो है उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेवारी कबूल करें और अपने पद से इस्तीफा दें। असम और मिजोरम में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। ये डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन है, फिर भी संवाद की व्यवस्था इतनी गई गुजरी क्यों नजर आ रही है, फेल क्यों नजर आ रही है? शिवराज पाटिल होते तो गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके होते या फिर उन्हें हटा दिया गया होता। बीजेपी के सांसद दिलीप सैकिया भी मानते हैं कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ। ये 7 राज्यों में इंटर स्टेट बाउंड्री का एक इशू पहले से है, ये डिकेड्स लॉन्ग एक प्रॉब्लम है। काल जो घटना मिजोरम असम बॉर्डर लाइलापुर में हुआ है, इस घटना को मैं तो पहले इसके कड़ी निंदा करता हूँ, अर्चना देता हूँ। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए एडवांटेज होता है मिजोरम के लिए, क्योंकि वो हिल्स में ऊपर में रहता और असम नीचे में रहता, तो ऊपर से पत्थर फेंकना, लाठी फेंकना, बेम्बू फेंकना, गोली मारना आसान होता है। ये इस काल घटना को एक लेसन के नाते हमको लेना चाहिए। आने वाला समय में ऐसा घटना का कहीं पर भी किसी बुरदार में पुनरावृत्ति न हो। एक आपको लगता है कि मिजोरम सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आनी चाहिए, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात किए जाने चाहिए, हालात तब तक सुधर नहीं। अभी काल से तो CRPF को ये सौंपा गया है बॉर्डर का सुरक्षा का वो वाला इशू, लेकिन ये भी परमानेंट समाधान सूत्र नहीं है। उसके लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेटों के उनके जो स्टेक होल्डर्स है, उनके जो सरकार है और केंद्र सरकार, एक टेबल तक कर करके उस समस्या का कैसे एक परमानेंट समाधान एक सूत्र निकल सकते, उसके ऊपर ही हमको जोर देना है। असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा आहत है, लेकिन इस घटना में मिजोरम का भी पक्ष है। बिस्वा ने मंगलवार की सुबह भी कई ट्वीट किए, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने मंगलवार दोपहर तक कोई ट्वीट नहीं किया। असम के मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल पूछा, कहा कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें एयर एम्बुलेंस से अच्छी जगह पर भेजकर इलाज कराया जाए। सिलचर SP के कार्यालय में जाकर मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें शहीद कहा और सलामी दी। इस झगड़े में असम पुलिस के SP वैभव निम्बालकर के पांव में गोली लगी है और वो ICU में बताए जाते हैं। उन्हें आगे के इलाज के लिए मुंबई भेजा गया है। असम पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल भी घायल हुए हैं। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री 11:30 बजे फिर से एक वीडियो क्लिप ट्वीट करते हैं और इसे देखने की अपील करते हुए कहते हैं कि देखिए और जानिए कि किस तरह से मिजोरम पुलिस ने कार्रवाई की है, पूरे मामले को तूल दिया है, दुखद है और भयानक है। इस घटना के कई घंटे बाद भी इस तरह की खबर नहीं आई कि मिजोरम की सरकार ने अपनी पुलिस के अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। आज इस सीमा पर CRPF की 2 टुकड़ियां और तैनात कर दी गई। कई घंटे तक तनाव रहा सोमवार को, फिर यह सब क्यों नहीं किया गया? गृह मंत्रालय ने अभी तक सार्वजनिक रूप से साफ नहीं किया है
कि सीआरपीएफ की चौकी पर असम पुलिस के हमले की खबर पूरी तरह से गलत है। सीआरपीएफ के एडीजी संजीव रंजन ओझा अपने बयान में इस बात का जिक्र ही नहीं करते हैं कि असम पुलिस ने सीआरपीएफ की चौकी पर हमला किया है या नहीं, मिजोरम के मुख्यमंत्री का आरोप गलत है या सही है। सोमवार को जब मिजोरम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, उस वक्त भी सीआरपीएफ कह सकती थी कि उसकी चौकी पूरी तरह से सुरक्षित है। ओझा ने एएनआई से कहा है कि सीआरपीएफ की दोनों बटालियनों की दोनों टुकड़ियां असम और मिजोरम के पुलिस बलों के साथ वहां मौजूद थीं, पर वे तटस्थ थीं। जिस समय दोनों पक्षों के बीच हमला शुरू हुआ, दोनों में से किसी का भी समर्थन नहीं कर रही थीं। एडीजी संजीव रंजन ओझा ने कहा है कि मिजोरम की पुलिस ऊंचाई पर थी और असम की पुलिस नीचे। इनके बयान से पता चलता है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक ने गृह मंत्री को हालात की जानकारी दी थी। सोमवार को कल शाम 4 बजे से 4:30 बजे के बीच निर्देश मिला कि हालात पर नियंत्रण कायम करे। सीआरपीएफ ने लाउडस्पीकर से ऐलान भी किया, केवल असम पुलिस पूरी तरह से हटी, ये ओझा कहते हैं। मिजोरम पुलिस और एसपी कोलासिब मौके पर ही मौजूद रहे। मिजोरम से डीआईजी मौके पर पहुंचकर हटने को मनाते भी रहे। सीआरपीएफ ने यह नहीं कहा कि गोली किसकी तरफ से पहले चलाई गई, यही कहा कि दोनों के बीच गोलियां चली हैं। असम सरकार ने अपने बयान में कहा है कि जब गोली चल रही थी तब मिजोरम के मुख्यमंत्री को 6 बार फोन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आई थिंक लास्ट वी टॉक अराउंड 4:45 यस्टरडे, सो वी स्टार्टेड टॉकिंग फ्रॉम 11:30 टिल 4:45 एंड ड्यूरिंग द डे होम मिनिस्टर अमित शाह हैज कॉल्ड बोथ ऑफ अस नॉट लेस देन 4 टाइम्स। देन ही सेड दैट तुम लोग दोनों बात करो, फिर वी वेर टॉकिंग, देन वी डिसाइडेड ऑन ए एग्रीमेंट दैट दिस विल बी द एग्रीमेंट। देन सडनली फायरिंग कम्स, we have not backtracked, our people may have died, but we are there, we are solidly there, we are defending our constitutional boundary as long this is our boundary. So if tomorrow government of India say it is not in your boundary, then it is a different matter. दो राज्यों का झगड़ा किस हद तक आगे जा चुका है। दूसरे दिन भी एक राज्य अपने पक्ष में वीडियो ट्वीट कर रहा है। यह तब है जब मोदी सरकार पूर्वोत्तर के मामले में सक्रिय दिलचस्पी रखने के लिए जानी जाती है। असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम पुलिस इस बात की जांच करेगी कि मिजोरम के लोगों के पास हथियार कहां से आए। मिजोरम के लोगों के पास हथियार कहां से आए, इसकी जांच असम को करनी चाहिए या केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को या मिजोरम को खुद। क्या बिहार की पुलिस इस बात की जांच करेगी कि यूपी के लोगों के पास हथियार कहां से आए। असम के मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं और इस विवाद को कांग्रेस से जोड़ना नहीं भूलते हैं। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू, दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। व्हेन बोथ द साइड कांग्रेस गवर्नमेंट वाज देयर, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो दैट दिस डिस्प्यूट वाज देयर, व्हेन मिस्टर तरुण गोगोई वाज इन असम एंड मिस्टर लाल थानवाला वाज इन मिजोरम, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो दैट डिस्प्यूट वाज गोइंग ऑन, एनफोर्समेंट वाज देयर। So these are dispute basically between two state, it is not between two political party. असम में बीजेपी की सरकार का यह 6ठा साल है, लेकिन दोष कांग्रेस की सरकार को दिया जा रहा है। असम के कछार और मिजोरम के कोलासिब के बीच सीमा विवाद वाकई पुराना है, पहले भी झड़पें हुई हैं, लोग मारे गए हैं, लेकिन कांग्रेस के राज में दो मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर इस तरह की लड़ाई नहीं देखी गई। आप यह नहीं कह सकते कि दिल्ली की सरकार को पता नहीं था, इसके बाद भी यह घटना हुई है। विवाद खत्म नहीं हो रहा है, यहां तक कि आपने असम का पक्ष सुना, अब मिजोरम का भी सुनिए। मिजोरम की सरकार ने भी प्रेस रिलीज जारी किया है और कहा है कि सोमवार को दिन के 11:30 बजे असम पुलिस के आईजी एसपी के नेतृत्व में 200 पुलिस बल मिजोरम की सीमा में घुस आए। असम पुलिस ने पहले सीआरपीएफ की पोस्ट को ढहा दिया, फिर पास में ही मौजूद मिजोरम पुलिस की पोस्ट को रौंद दिया, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। यह पता चलते ही वेरंगटे शहर के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। असम पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। एसपी और डीएम ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन असम पुलिस अड़ी रही। 4:50 पर असम पुलिस ने मिजोरम पुलिस पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। मिजोरम पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। हमले के वक्त कोलासिब के एसपी सीआरपीएफ के ड्यूटी कैंप में ही थे और असम पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहे थे। पूरी घटना दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। सब कुछ असम पुलिस के आक्रामक रवैये से शुरू हुआ।
गृह मंत्री ने दोनों से बात की और असम पुलिस पीछे हट गई और सीआरपीएफ के हवाले उस जगह को कर दिया। मिजोरम की सरकार असम पुलिस की हिंसा की निंदा करती है कि वो मिजोरम के इलाके में घुस आई। मिजोरम की सरकार इस हिंसा में घायल दोनों तरफ के लोगों के ठीक होने की कामना करती है, मानती है कि इसे टाला जा सकता था। तो ये मिजोरम का पक्ष था जो कह रहा है कि असम की पुलिस उसके इलाके में आ गई, उसके लोगों के साथ मारपीट की गई। असम कह रहा है कि मिजोरम ने गोली चलाई। इस मामले को केवल पुराना कहकर नहीं टाल सकते। दो राज्यों को कई घंटों तक भिड़ने दिया गया, यह साधारण बात नहीं है। असम के साथ मिजोरम का भी पक्ष बराबर आते रहना चाहिए। There must be peace around here. We want peace. We don't want to harm any fellow man. We are all brothers. We are all sisters. If there is anything wrong, we have to discuss peacefully. We have to discuss everything. This is important. Yeah, in the meeting. To dogs, the tension should be. Yeah, we have to. We should not have use any arms. We should not have use any force. सोमवार की घटना बता रही है कि संवाद हर स्तर पर टूटा है और हर किसी के साथ टूटा है। दो राज्यों का इस तरह से झगड़ना और केंद्र का देखते रह जाना प्राइम टाइम के देखने जैसा लगता है। इतने सारे सवाल हो जाते हैं कि जवाब देना मुश्किल हो जाता है, जवाब ही नहीं आता है। मध्य प्रदेश के अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देख सकते हैं। मामला दूसरा है कोविड के टेस्ट किट का। कुछ परिवार तो ऐसे रहे कि जिनके अपने ही अपनों से छूट गए। अप्रैल में भोपाल की संतोष कंसाना के घर में सास ससुर और बच्चों समेत चार लोग कोरोना संक्रमित हुए। तीन की रिपोर्ट रैपिड एंटीजन किट में नेगेटिव आई। सीटी स्कैन कराने पर पुष्टि हुई कि कोरोना उनके सास ससुर के 70% फेफड़ों को संक्रमित कर चुका है। हम लोगों ने उनका नाक का टेस्ट कराया था, बच्चों का भी और सास ससुर का भी। तो उसमें मेरे सास ससुर और छोटी वाली बिटिया, इन तीनों का नेगेटिव आया और एक बड़ी बेटी का पॉजिटिव आया था। लेकिन उनकी जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो हम लोगों ने फिर उनका सिटी स्कैन कराया और सिटी स्कैन में उनको 70% वो बताया कोरोना। तो ये उसके बाद में फिर हम लोगों ने उनको चिराई हॉस्पिटल में एडमिट किया था। और कहीं ना कहीं जो ये नाक के द्वारा टेस्ट हुए जितने भी, तो वो बड़े ही असंतोषजनक तो थे ही, लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी उसमें सही नहीं आई और उसका लोगों को खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि कुछ परिवार तो ऐसे रहे कि जिनके अपने ही अपनों से छूट गए। कुंदन पंजाबी के घर में भाई, माँ, भाभी समेत पांच लोगों की मौत हो गई। इनकी भी शिकायत है कि जांच में गफलत से तबीयत बिगड़ी। वेंटिलेटर पे उसने 5 दिन संघर्ष किया। नहीं रह पाया हूं। ये अगर गफलत नहीं होती रिपोर्ट में, तो आज मेरा भाई जिंदा होता, आज हम लोगों के साथ में होता। जब रिपोर्ट ही नेगेटिव है तो क्या माना जाएगा, बताइए आप? यही माना जाएगा ना कि उसको कोरोना नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में मई जून में कोविड मरीजों की जांच के लिए दक्षिण कोरिया से प्रति किट 47.89 रुपए के हिसाब से 15 लाख किट 7,18,00,000 रुपए में खरीदे गए, जिसका नाम था बायोक्रेडिट कोविड 19 एजी, जिसे वहां की रैपिजन इंक नाम की कंपनी ने बनाया था। इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नॉन अप्रूव वाली सूची में रखा था। इसी किट को मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज यानी MPPHCL ने जिलों में बांटा। इस किट को लेकर सैंपलिंग टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने 29 जून को प्रशासन को खत लिखकर कहा, यह किट बहुत ही निम्न गुणवत्ता की है। इस किट में कंट्रोल लाइन नहीं आती, बफर डालने पर फ्लडेड हो जाती है, जो लक्षण वाले मरीजों के भी जांच में परिणाम को नेगेटिव बताती है। RT-PCR जांच में पॉजिटिव आ रहा है, उसे ये किट नेगेटिव बता रही है। ये किट ICMR पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है।
इसके रजिस्टर्ड नहीं होने से रैपिड टेस्ट की एंट्री नहीं हो पा रही है। कृपया कर उच्च गुणवत्ता के रैपिड एंटीजन किट देने का कष्ट करें। ICMR के वेबसाइट पर 9 जून को आज भी ये किट नॉन अप्रूव्ड की लिस्ट में है। वो सब वैलिड किट है, लेकिन सरकार कहती है वैलिडिटी है। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढा है। नहीं, घटिया नहीं आई। जब तक वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं होता तब तक वो पोर्टल में दर्ज ही नहीं होती, इसलिए ये कहना पूरी तरह से गलत है कि किसी तरह की गलत किट का उपयोग किया गया। सभी किट जो भी गाइडलाइन है उसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बाद ही उपयोग की गई है। मोदी जी ने मना किया था, उसके बाद खरीद लिया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि शिवराज सिंह जी मैनेजमेंट कर रहे थे, जनता को मूर्ख बनाकर संतुष्ट कर रहे थे, या इस कोरोना के काल से लड़ रहे थे। मैं मानता हूं हद दर्जे की लापरवाही मध्य प्रदेश में हुई है, हद दर्जे की भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हुआ है, और मध्य प्रदेश के सरकार के क्रियाकलापों से मोते हुई है। इसके दोषी कौन है? शिवराज सिंह जी, देश और प्रदेश ने आपका तांडव देखा है। डॉक्टरों ने पहले ही प्रशासन को लिखा था, साफ कहा पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर गड़बड़ हैं। इससे पहले हम आपको पीएम केयर से मिले घटिया वेंटिलेटर की कहानी दिखा चुके हैं। ऐसे नहीं, कुछ खराब है, बाकी अधिकांश चल रहे हैं। वेंटिलेटर में ऑपरेशनल दिक्कत आ रही है। केयर फंड से 2 वेंटिलेटर हमारे पास आए हुए हैं, जिसका की कंपनी लेवल से इंस्टॉलेशन होना है। कंपनी लेवल हमने करस्पोंडेंस कर रखी हुई है। इसमें भी इसकी पुष्टि डॉक्टरों ने ही की थी, हमने नहीं। सरकार का कहना है कि मामला क्वालिटी का नहीं बल्कि तकनीकी है। RT-PCR को कोरोना में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, और ये माना जाता है कि RT-PCR और रैपिड एंटीजन के बीच 50 बनाम 50 का औसत होगा। लेकिन अब ज़्यादातर टेस्ट रैपिड एंटीजन से हो रहे हैं, यानी मामले में और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। महामारी में खरीदारी को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत भी दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब आरोप राजा और मंत्रियों पर ही लगे हों तो क्या पहरेदार जाँच कर पाएगा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो किट खराब है, पीएम केयर्स से जो वेंटिलेटर्स की सप्लाई हुई वो खराब है, इसके बाद भी जांच का सवाल नहीं है। सवाल तो यही है कि हर सवाल उनके लिए सवाल क्यों नहीं है। ब्रेक ले लीजिए। सोहित की ये रिपोर्ट शायद हर दूसरे तीसरे व्यापारी की होगी। कोरोना के दूसरी लहर के बाद से ही व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है। व्यापार ना के बराबर है और काम कम होने के कारण वो अपने व्यापार को बंद भी करने लगे हैं। मुंबई के धारावी इलाके में ट्रैक पैंट बनाने का काम करने वाले अहमद रजा के यहाँ पहले 15 मजदूर काम करते थे, लेकिन अब केवल 6 लोग ही हैं। दुकान सामान से भरी हुई है क्योंकि कोई खरीदार नहीं है। यही हाल कपड़े के कारोबार से जुड़े सराजुद्दीन अंसारी का भी है। पहले 15 से 20 मशीनों पर काम होता था, अब मांग न होने की वजह से केवल 4 मशीनों पर काम हो रहा है। पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मजदूरों को उनका वेतन, EMI और बिजली का बिल तो भरना ही है। जितना 6 बंदे हफ्ते में बनाते हैं उतना ही नहीं सेल हो पाता है, तो और 10 जन को कैसे बना के काम देंगे। इस हिसाब से मतलब मार्केट का पोजीशन खराब है, और दुकान का ऊपर से 30,000 भाड़ा है, प्लस 7,000 लाइट बिल, प्लस 3-4 लेबर हेल्पर, उनका मेंटेनेंस लगभग 80,000 जाता है। वो अपने से अभी इस वक्त जो हालत है नहीं हो पा रहा है। बिजली का बिल मेरा 1,39,000 रुपये आए हैं, ये रहा लाइट का बिल। BST वालों ने सुबह शाम 3 बार फ़ोन आना, मीटर निकाल ले जाऊंगा, ये करूंगा, फिर उसके बाद मैं इनसे उनसे ले करके मैं कैसा भी करके 60,000 रुपये भरा हूँ। अभी ये 25 तारीख का फिर वो लिखा करके सामने वाले ने लिया है कि 25 को तुमको खुद कुछ भरना पड़ेगा। अब ये मेरे पास इंतजाम कुछ है नहीं भरने के लिए। इस तरह के धारावी में कई छोटे छोटे कारखाने हैं और सभी की कहानी एक जैसी है। धारावी गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बब्बू खान बताते हैं कि अब व्यापारियों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने मजदूरों का ख्याल रख सकें। जो हमारे पास में जो औरले काम करने वाले लोग थे, हम उनको एडवांस दे के थक चुके, हमारे पास काम नहीं है। अगर हम उनको बंद कर देते हैं फैक्ट्री, उनको गांव चले जाते हैं वो लोग, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। आज हमारे पास 30% काम है, अब इस 30% काम में हम कितने लोगों का पेट भरेंगे। गारमेंट के अलावा लेदर के लिए मशहूर धारावी में भी हालात कोई अलग नहीं है।
तीन पीढ़ियों से इस व्यवसाय से जुड़े चंद्रकांत पोटे बताते हैं कि कई व्यापारी जो किराए पर दुकान चला रहे थे उन्होंने इसे बंद कर दिया है और कई इसी राह पर हैं। दुकान में 12 बजे से पहले ग्राहक आते नहीं हैं और सरकार का कहना है कि 4 बजे के बाद दुकानों को खुला नहीं रखा जा सकता। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये अपना व्यापार कैसे चलाएं। कितने भी जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे तो 11-12 बजे से पहले दुकानें खुलती नहीं हमारी। फिर उसके बाद 3-4 घंटे में अभी जैसे कि लोग भी बहुत कम हैं आने जाने वाले, क्योंकि लोग अपने अपने जगह पे जॉब पे जाएंगे या फिर हमारे पास शोरूम में आएंगे। नॉर्मली प्रैक्टिस कैसे होती थी कि लोग 4-5 बजे तक जॉब करते थे, उसके बाद जब छूटता था तो वो 5-6 बजे के बाद रियल में हमारे कस्टमर आते थे। काम नहीं होने की वजह से धारावी में मजदूर नहीं है, लिहाजा दोपहर के समय मजदूरों से भरे रहने वाले होटल खाली पड़े हैं। मजदूरों के नहीं होने का असर इनके व्यापार पर पड़ा है और इसलिए इन्होंने अपने यहाँ से भी 3 लोगों को काम से निकाल दिया है। हमने 2-3 स्टाफ कम कर दिया है, इसलिए 2-3 स्टाफ से ही काम चला रहे हैं। सरकार की ओर से भले ही करोड़ों रुपयों के पैकेजेस का ऐलान किया गया हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि लोग परेशान हैं। ना ही मजदूरों के पास काम है और ना ही लोगों के पास व्यापार है। साथ ही कोरोना के बाद जिस तरह से नियम बनाए गए हैं उसने व्यापारियों की परेशानी और बढ़ा दी है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।